हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास विंडोज़ 10 में और विंडोज़ 11 में एक्सबॉक्स गेम बार रिकॉर्डिंग ठीक से वर्क नहीं कर रही है, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्लोज़ हो रही है, तो उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पर ऐप्स एंड फीचर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च बार में क्लिक कर टाइप कीजिए एक्सबॉक्स। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सबॉक्स गेम बार शो हो जाएगा। आप थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कीजिए, एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर रिपेयर के ऊपर क्लिक करें, फिर आपके पास यहाँ पर एक्सबॉक्स गेम बार रिपेयर हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रिसेट के ऊपर क्लिक करना है, फिर से रिसेट के ऊपर क्लिक करना है, एक्सबॉक्स गेम बार रिसेट हो जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करें, ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आपको वेट करना है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सबॉक्स गेम बार रिसेट हो गया है। आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको जो है रन कमांड ओपन करना है। आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्रेस करते हुए आपको आर प्रेस कर देना है, फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कर सेटिंग पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ की सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर विंडोज़ अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, और आपके पास यहाँ पर विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है, तो आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए, कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने PC को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।